हे गाइस, वेलकम टू वीडियो शो। गाइस, फाइनली इंडियन आर्ट कॉलेज उसका नोटिस निकल के आ गया है कि उसका एग्जाम का डेट क्या रहेगा। भाई आप लोग तो जानते हो, इंडियन आर्ट कॉलेज बहुत दिन पहले उसका नोटिस वगैरह आ गया था कि इसको एग्जाम का प्रोसीड्यूर क्या रहेगा, बट कोई डेट वगैरह रिलीज नहीं हुआ था। तो फाइनली उसका डेट वगैरह आ गया है, तो भाई इस वीडियो में उसके बारे में सब कुछ डिस्कस करूंगा, क्या क्या एग्जाम का प्रोसीड्यूर दिया है उसने और किन किन डेटों में आपको कंप्लीट करना होगा वो सब, तो देखते आगे। तो गाइस, आप इंडियन आर्ट कॉलेज को वेबसाइट में आप लोग चेक करोगे तो उधर साफ साफ लिखा है कि आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन क्या कैसे करना पड़ेगा, अपना डेट ऑफ बर्थ और अपना जो फॉर्म का AIN नंबर है, फॉर्म का AIN नंबर और डेट ऑफ बर्थ से उधर आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, ठीक है। और गाइस, रजिस्ट्रेशन करने के बाद कॉलेज आपको एक यूजर नेम और पासवर्ड सेंड करेगा जिससे कि आप लोग ऑनलाइन एग्जाम दे पाओगे। और भाई वो यूजर नेम और पासवर्ड आपने जिस नंबर से फॉर्म फिलअप किया हो उसी नंबर पर आएगा। और गाइस, ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस 10 नवंबर को सुबह 10 बजे से स्टार्ट हो गए, यानी कि आज ये प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। तो ये प्रोसेस चलेगा 12 नवंबर तक, दोपहर को 2 बजे ये प्रोसेस खत्म हो जाएगा 12 नवंबर को। तो भाई ज़रूर जाओ, इन टाइम के अंदर अपना रजिस्ट्रेशन कर लो उधर। और गाइस, इस रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में आपको एक गलत इन्फॉर्मेशन दिया तो आपका एग्जाम कैंसिल हो जाएगा। तो भाई एकदम जो इन्फॉर्मेशन आप लोग उधर दोगे ना, अपना DOB एंड अपना AIN नंबर एकदम बारीकी से देख देख के अच्छे से इंप्लीमेंट करना उधर। कोई भी दिक्कत वगैरह हुआ तो आपका एग्जाम कैंसिल हो जाएगा, तो भाई जरूर एकदम अच्छे से उधर देना ये सब। और गाइस, इंडियन आर्ट कॉलेज का प्रोसीड्यूर के बारे में मैंने एक पूरा फुल वीडियो बना के रखा है, आप जाके वो वीडियो जरूर देख लो। उधर से आपको सब कुछ डाटा क्लियर हो जाएगा कि आपको किस किस फेज में एग्जाम देना पड़ेगा। टोटल 4 फेजेस है उधर, वो सारे को लेकर मैंने डिस्कस किया है उधर। तो जरूर आई बटन पर क्लिक करके वो वाला वीडियो एकदम अच्छे से देख लो। तो भाई जो स्टेज है पहला वाला जो है पोर्टफोलियो इवैल्यूएशन, ठीक है। तो पोर्टफोलियो इवैल्यूएशन जो है उधर आपको अपना जो बेस्ट 4 ड्राइंग है, ठीक है, स्कल्पचर को छोड़कर बाकी सारे डिपार्टमेंट का अपना जो बेस्ट 4 ड्राइंग का एक तस्वीर खींचकर उसको JPG और JPEG फॉर्मेट, कोई किसी भी एक फॉर्मेट में एक पोर्टफोलियो बनाना होगा और उसको कॉलेज को वेबसाइट में अपलोड करना होगा। और भाई सिर्फ कल्चर डिपार्टमेंट में उधर आपको क्या करना है, आपका जो बेस्ट 4 क्ले मॉडल है उसको बेस्ट 4 क्ले मॉडल का तस्वीर खींचकर उधर आपको अपलोड करना होगा। और भाई इधर स्ट्रिक्टली मना कर दिया कि भाई कोई भी एडिटेड इमेज इधर नहीं चलेगा, एकदम अच्छे से तस्वीर खींचकर रॉ इमेज उधर देना होगा। और गाइस, ये पोर्टफोलियो इवैल्यूएशन यानी कि जो पोर्टफोलियो सबमिशन का टाइम क्या है, 13 नवंबर को ये पोर्टफोलियो सबमिशन का टाइम स्टार्ट होगा, 10 बजे से, सुबह 10 बजे से 13 नवंबर को स्टार्ट होगा। और भाई ये पोर्टफोलियो इवैल्यूएशन चलेगा 16 नवंबर तक, यानी कि 16 नवंबर तक ये पोर्टफोलियो इवैल्यूएशन चलेगा, दोपहर को 2 बजे ये खत्म हो जाएगा 16 नवंबर को। तो भाई जरूर इन टाइम के अंदर अपना अपना जो पोर्टफोलियो उधर आप लोग जरूर सबमिट कर देना। और गाइस, इंडियन आर्ट कॉलेज से जो नोटिस निकल के आया उधर भाई यही तक लिखा था, और भाई बाद में कोई नोटिस वगैरह निकल के आया तो उसके अकॉर्डिंगली मैं एक वीडियो बना दूंगा। तो भाई जरूर उस वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो और पास में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दो, तभी जाके आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। और भाई जो जो भी वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर दो, आपके एक एक लाइक से वीडियो बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो भाई जरूर लाइक करो और कमेंट में बताओ कैसा लगा। और भाई कोई भी डाउट वगैरह हो तो कमेंट में पूछो, मैं सारे डाउट क्लियर करने की जरूर कोशिश करूंगा। और भाई आज के वीडियो के लिए इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वाला और एक वीडियो में। हाँ, और भाई जो भी अभी तक मुझे इंस्टा पे फॉलो नहीं किया जरूर फॉलो कर लो, इंस्टा पे नीचे आपके इंस्टा का लिंक दिख जाए तो जरूर फॉलो कर लो उधर से। तो भाई आज के वीडियो के लिए इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वाला और एक वीडियो में।